अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोवन स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी, जिसमें आज हम यूज़ करेंगे रेगुलर ज़ीरा राइस और बासमती राइस यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ग्रीन पेस्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं, 5-6 मैंने हरी इलायची ली है, फिर मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, यानी कि हाफ बंच हरा धनिया लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने, छोटा सा टुकड़ा मैंने स्टोन फ्लावर का लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 8 से 10 लौंग ली है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जावित्री इस तरह से तोड़ कर ली है, और 8 से 10 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है। इन सब चीज़ों को एक मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से पेस्ट बनाएंगे और इसे हम अभी साइड में रख देंगे। और दूसरी तरफ से एक पैन में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, प्याज जो है वो डीप फ्राई करने के लिए। तो प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 प्याज मैंने इसमें स्लाइस करके ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, ताकि प्याज जो है जल्दी से ब्राउन हो जाए। तो अब यहाँ देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और प्याज को निकाल कर हम साइड में रख देंगे। और सेम तेल में मैं और 2 प्याज को इस तरह से फाइनली स्लाइस करके इसमें ऐड करूँगी और इसे हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अभी इस वक्त हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। यह देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो पेस्ट है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, अराउंड 2.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को इस तरह से थोड़ा सा नमक हल्दी के साथ मैरिनेट करके रख लिया था 1 आवर के लिए। तो ये जो चिकन है हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम चिकन को इस मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। और दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे पानी में थोड़े से खड़े मसाले और हरी धनिया और हरी मिर्च ऐड करके इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए रखा था। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल। यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस लिया है अराउंड 3 कप। ज़ीरा राइस ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तो अराउंड 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया है मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे पकने के लिए एक साइड में रख देंगे। और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस चिकन में हम अभी ऐड करेंगे टमाटर। 1 टमाटर को इस तरह से फाइनली चॉप करके ऐड किया है मैंने, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किया है। आप चाहे तो दही स्किप करके टमाटर और 1 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम, जब तक टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी साइड से हम चावल भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं, अराउंड 70%। तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, और टमाटर भी और दही भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है ग्रेवी के साथ, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक बड़ा सा पैन लेंगे जिसमें हमने चावल पकाया था, वही पैन लेंगे हम। इसमें हम थोड़े से चावल अभी ऐड करेंगे, अराउंड 50% चावल मैंने इसमें अभी ऐड किया है और इसका 1 लेयर बनाया है मैंने। और फिर इस लेयर के ऊपर हमने जो चिकन की ग्रेवी बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सारी ग्रेवी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और फिर बचे हुए जो 50% चावल हमने निकाल कर रखे थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसका 2nd लेयर इस तरह से हम बना लेंगे। इसे इवनली स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज कलर डाला है मैंने, आप चाहे तो येल्लो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अराउंड 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर घी ऐड किया है और थोड़ी सी फ्राइड की हुई प्याज। इन सब चीज़ों को ऐड करके हम इसे दम देंगे और दम होने तक हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे।
तो 20 मिनट के बाद ये अच्छे से दम हो चुकी थी फ्रेंड्स, इसमें से जो स्टीम है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। तो हमारी ये बिरयानी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी फ्रेंड्स। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और इसे गर्मा गर्म रायते के साथ आप इसे सर्व करना। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।